नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स मैं विशाल मेघानी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंजीनियरिंग एकेडमी पर दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है ना इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का सिलेबस दोस्तों जिसका नाम है पीईआर दैट इज पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन दोस्तों आप कहोगे सर महत्वपूर्ण क्या है इस सब्जेक्ट में तो पहले आपको मैं समझा दू दोस्तों इस सब्जेक्ट का जो नाम है ना वो क्या है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का ये दो सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है एक पावर इंजीनियरिंग जिसके अंदर आपको अलग अलग पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है दूसरा रेफ्रिजरेशन दोस्तों जिसके अंदर आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना है दोस्तों है हाँ ना तो सर महत्वपूर्ण क्या हुआ बता रहा हूं दोस्तों उतावले मत होइए देखिए दोस्तों हमारे पास एक सब्जेक्ट है कौन सा आर ए सी जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है अगले सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट भाई आर ए सी दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ता है अगले सेमेस्टर में दैट इज सिक्स सेमेस्टर में और इस सब्जेक्ट का जो पूरा पूरा जो बेस है ना वो छुपा है दोस्तों यहां पर तो अगर आप पीई आर को अच्छे से पढ़ लेते हो ना

इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू हमारी ऐप का जो लिंक है मेरे प्यारे बच्चों वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है जहां से आप ऐप डाउनलोड करके दोस्तों इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं है ना जिसका प्राइस भी हमने काफी कम रखा है दोस्तों बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है ताकि हर कोई इसके थ्रू पढ़ सके और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए कुछ डेमो डेमोलेक्चर जिसको आप जरूर देखिए दोस्तों जहां से आप जज कर सकते हो कि आप लोगों को कैसा पढ़ाया जा रहा है ना? और ये सब्जेक्ट दोस्तों आप है बाद में है लेकिन पहले ये पैशन है मेरे लिए दोस्तों ठीक है ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं जिसमें से कुछ एग्जाम्स मैंने क्रैक भी किए हैं दोस्तों ठीक है ना जहां ये जो एग्जाम है ओ यहां पर जाना एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है दोस्तों इस कंपनी में लगभग साढ़े छह साल तक मैंने काम किया है और इस कंपनी को मैंने छोड़ा दोस्तों एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मैंने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचिंग तो अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं ना तो जरूर आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करिए और डेमो डेमोलेक्चर्स तो आप जरूर देखिए दोस्तों है ना हमारे ऐप का नाम है विवेकानंद इंजीनियरिंग एकेडमी जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पीई आर का कंप्लीट सिलेबस ओके चलिए तो सिलेबस की अगर बात करते हैं हाँ दोस्तों सिलेबस बताने से पहले जस्ट एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो कोर्स है ना इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस मेरे प्यारे बच्चों हमने रखी है कितनी सेवन डबल नाइन मतलब नियरली एट हंड्रेड लेकिन फिलहाल दोस्तों टिल फिफ्टींथ ऑफ जुलाई हमने यहां पर आप लोगों के लिए एक ऑफर रखा है जहां पर आप लोगों को ये कोर्स मात्र फोर डबल नाइन में मिल जाएगा दोस्तों ठीक है ना तो जरूर दोस्तों इसको आप अभी परचेस कर लीजिए प्राइस बढ़ने बढ़ने से पहले ओके चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आप लोगों को टोटल पांच यूनिट पढ़ने हैं जिसको कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है वो भी लिखा गया है है ना तो पहला यूनिट आप लोगों को कौन सा पढ़ना है इसका नाम है आई सी इंजिन कंबशन इंजिन जिसको पूरे सोलह मार्क्स का वेटेज दोस्तों दिया गया है इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें कंबशन जो है ना कंबशन मतलब क्या फ्यूल का जलना जब हम फ्यूल को जलाते हैं ना उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कंबशन कहते हैं दोस्तों तो एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल को इंजन के अंदर जलाया जाता है दोस्तों उस इंजन के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है दोस्तों ऐसी इंजन का एग्जाम्पल क्या है सर तो भाई डे टू डे लाइफ में आप जो गाड़ियां चलाते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर जो आप चलाते हैं ना मतलब पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली जो गाड़ियां होती है ना उनके अंदर जो इंजन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन मतलब दोस्तों जो गाड़ी अभी तक आप सिर्फ चला रहे थे ना इस गाड़ी के बारे में अब आप सीखोगे पढ़ोगे दोस्तों तो काफी मजा आप लोगों को आने वाला है राइट तो पहला यूनिट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलह मार्क्स का वेटेज दिया गया है लेकिन इसके अलावा दोस्तों पहला यूनिट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहला यूनिट ये आपका बेसिक है है ना अगर आप पहला यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो दूसरा यूनिट आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि दूसरे यूनिट का नाम क्या है टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन एंड कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन मतलब दोस्तों आईसी इंजन के ऊपर अलग अलग टेस्ट परफॉर्म की जाती है दोस्तों है ना जैसे कि सपोज मैंने कह दिया कि भाई ये जो गाड़ी है टू व्हीलर है ये आप लोगों को अस्सी का एवरेज देगी भाई कैसे पता लगेगा टेस्टिंग करके पता लगेगा पेट्रोल डालेंगे एक लीटर का चलाएंगे वाक्य एक लीटर में अस्सी किलोमीटर चली क्या टेस्टिंग करके पता करेंगे ना भाई तो इसी तरह से गाड़ी के ऊपर अलग अलग टेस्टिंग की जाती है दोस्तों गाड़ी का पावर आउटपुट कितना है फ्यूल कितना कंज्यूम कर रही है गाड़ी हमारा कूलिंग ऑयल कितना कंज्यूम हो रहा है पानी कितना कंज्यूम हो रहा है ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टेस्टिंग की जाती है साथ साथ दोस्तों गाड़ी में से जो धुआं निकलता है जो इमिशन गाड़ी में से निकलती है ना ये जो इमिशन के अंदर अलग अलग हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों तो ये सारे जो निकलते हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है इन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस यूनिट को भी पूरे सोलह मार्क्स का वेटेज दिया गया है दोस्तों ठीक है तीसरा जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम है एयर कॉम्प्रेसर अब भाई एयर कॉम्प्रेसर क्या होता है तो भाई एक ऐसा डिवाइस जो एयर को कंप्रेस करने का काम करता है मतलब एयर का प्रेशर बढ़ाने का काम करता है दोस्तों है ना एयर कंप्रेसर बहुत जगह पे यूज किया जाता है जैसे हमारे घर के फ्रिज में घर के एसी में है ना या फिर पंचर के शॉप में जो आ, हवा भरने के लिए हम कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी कंप्रेसर लगता है आ, स्प्रे पेंटिंग के अंदर लगता है तो बहुत जगह पे कंप्रेस्ड एयर हमें लगती है जहां पर हम कॉम्प्रेसर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो ये कंप्रेसर क्या होता है कैसे काम करता है अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर कौन से होते हैं दोस्तों ये सारी जानकारी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट कौन सा यूनिट है दोस्तों गैस टर्बाइन पावर गैस टर्बाइन एंड जेट प्रोपल्शन गैस टर्बाइन कहा यूज किया जाता है एरोप्लेन के अंदर और जेट प्रोपल्शन कहा यूज किया जाता है रॉकेट इंजिन के अंदर तो बेसिकली इस यूनिट में हमें पढ़ना है दोस्तों एरोप्लेन कैसे उड़ता है साथ साथ रॉकेट कैसे उड़ते हैं दोस्तों तो इस यूनिट में हम एरोप्लेन भी उड़ाएंगे और रॉकेट भी उड़ाएंगे दोस्तों तो बहुत मजा आएगा लेकिन इस यूनिट को बहुत ही कम मार्क्स का वेटेज दिया गया कितना सिर्फ एटीन पहले तीन यूनिट को देखो तो दोस्तों आप सोलह सोलह चौदह मार्क्स का वेटेज है और यहाँ पे सिर्फ आठ मार्क्स का वेटेज दोस्तों आठ दोस्तों आठ मार्क्स का है ना तो इसको यूनिट इसको वेटेज कम क्यों रखा गया है क्योंकि दोस्तों पहली बात तो यहाँ पर न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है पहले जो तीन यूनिट है ना इन तीनों यूनिट में, में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना ओके चलिए चौथा जो यूनिट है दोस्तों इसके अंदर भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने और ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्योंकि यहाँ पर जो जो चीजें आप लोग पढ़ोगे ना ये सारी चीजें आप लोगों को इस साल तो काम में आएगी आएगी लेकिन अगले साल भी काम में आएगी थी है ना मैंने शुरू में भी आपको बताया था इसका नाम क्या है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दोस्तों हमारे घर का फ्रिज हमारे घर का ए कैसे काम करता है उसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से होते हैं दोस्तों है ना ह्यूमिडिटी क्या होता है साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है तो सारी बातें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी इस यूनिट के अंदर बहुत ही बढ़िया दोस्तों यूनिट है डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ यूनिट है दोस्तों पूरा पावर इंजीनियरिंग आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है क्योंकि मेरा ये मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है इसका मतलब बारीकी से नॉलेज मुझे है इसलिए मुझे पढ़ाने में इसको बहुत ही मजा आता है दोस्तों है ना अब दोस्तों थोड़ा कोर्स के बारे में जरूर सुनिएगा तो तो चार बातें हम आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं मुख्य रूप से पहला तो कंप्लीट सिलेबस थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो ठीक है दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कंप्लीट नोट्स आपको बुक वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है सारा सिलेबस यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा और सारे सिलेबस के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे दोस्तों तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा साथ साथ दोस्तों यहां पर हम कंडक्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स इस ऐप के अंदर हम आप लोगों के लिए कंडक्ट करने वाले हैं क्या लाइव लेक्चर्स दोस्तों जिसमें हम आप लोगों को डाउट क्लियर करवाएंगे आपके अंदर जित मन में जितने भी डाउट्स आते हैं वो आप पूछ सकते हैं लाइव लेक्चर्स के थ्रू साथ साथ हम आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे दोस्तों ठीक है ना इसके अलावा हम आप लोगों को यहां पर देने वाले हैं क्या रिवीजन लेक्चर सीरीज वो क्या है सर तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद उस यूनिट के ऊपर तुरंत हम दो वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम उस पूरे यूनिट को रिवाइज करवाएंगे ताकि जब आप लोग एग्जाम में जाओगे ना तो आप लोगों को पूरा यूनिट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग दोस्तों उस उस रिवीजन लेक्चर सीरीज के थ्रू है ना आप लोग यूनिट को पूरा रिवाइज कर सकते हो दोस्तों तो ये सारी बातें आप लोगों को मिलने वाली है हमारी ऐप के अंदर दोस्तों और अगर आप लोग आपके मन में कुछ डाउट है आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रही हमारी कांटेक्ट डिटेल दोस्तों आप कॉल के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना? ना तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों तक भी इस ऐप को जरूर पहुंचाइए बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों ठीक है हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए